वर्ड और उसकी उपयोगिता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम टाइपिंग से जुड़े अनेक कार्य कर सकते हैं। इसे कुछ लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को लेटर, फैक्स, आधिकारिक पत्र आदि कई चीजें लिखनी पड़ती हैं। इन सभी चीजों को कंप्यूटर से टाइप करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सहायक है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से न सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, बल्कि उसे सुंदर और आकर्षक रूप में भी पेश किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं। टास्क बार पर मौजूद स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके एंटर करें। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टूल्स। मेन्यू बार, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो कई विशेषताओं से भरा होता है। मुख्य मेन्यू अन्य सब मेन्यू को भी दिखाता है। टाइटल बार, टाइटल बार डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है। यहाँ वर्तमान समय का सक्रिय डॉक्यूमेंट और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। इसका प्रयोग वर्ड विंडोज के आकार और स्थान बदलने के लिए किया जाता है। इंसर्शन पॉइंटर, यह डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर एक चमकती हुई रेखा होती है जो कि यह बताती है कि जब आप टाइप करेंगे तो टेक्स्ट कहाँ प्रकट होगा। रूलर बार, रूलर बार की मदद से आप अपने दस्तावेज को सही लेआउट दे सकते हैं। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुख्य भाग है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इसमें फाइल से संबंधित कई विकल्प होते हैं। एमएस वर्ड के लाभ, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से अपने लिखे गए डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी प्रतिलिपि बनाकर रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। हम इसमें टाइप की गई सामग्री को बदल के अलग फाइल बनाकर रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरर फ्री डॉक्यूमेंट की सहायता से हम बहुत आसानी से अपनी गलतियों की जांच कर सकते हैं। हम वर्ड के डॉक्यूमेंट और डेटा को दूसरे एप्लीकेशन के साथ एक्सचेंज और शेयर भी कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स की जितनी चाहे उतनी कॉपियां बना सकते हैं। इससे हमारा बहुत सारा वक्त बचता है। हम इसमें किसी डॉक्यूमेंट को लॉक भी कर सकते हैं। ऐसा करने से गोपनीय डेटा को कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, डॉक्यूमेंट्स को HTML फॉर्मेट में सेव करके इंटरनेट ब्राउजर पर भी देखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट का वेब ब्राउजर पेज पर रिव्यू देखा जा सकता है। हाइपरलिंक इंटरफेस द्वारा दूसरे डॉक्यूमेंट या पेज को लिंक किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को इंटरनेट द्वारा आसानी से ईमेल किया जा सकता है। भाषा बदलने की सुविधा यहाँ है। प्रोफाइल टूल की सहायता से अन्य सेवाएं भी मिलती हैं। किसी बात को हाईलाइट किया जा सकता है। असाइन लैंग्वेज में अपनी पसंद की भाषा में काम किया जा सकता है। ग्राफ, पाई चार्ट, शेप्स, कलर ऑप्शन आदि की सहायता से डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। सच कहा जाए तो कंप्यूटर की सहायता से टाइपिंग से जुड़ा कोई भी कार्य अगर करना हो तो उसमें कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत पड़ती है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। तकनीक से पंचायत को आधुनिक बनाएं, विकास के गीत मिलकर गाएं। जय हिंद, जय भारत।